हाँ चोर साहब, शादी तो होगी। अब ये तो बताओ हमें कि लड़की को आपने क्या क्या सामान दिया है दहेज में, वो लिस्ट तो पढ़ के सुनाओ। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। लो मदन लाल जी, सबको ये लिस्ट पढ़ के सुना दो, हमने क्या दिया लड़की को। जो कुछ दान में दिया है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। 5100 रुपए नगद थाली में, लड़के की गले की चेन 2 तोलों की, लड़की की 5 टुमे 3 सोने की और 2 चांदी की, 1 डबल बेड, 1 कूलर, 1 LED, 1 वॉशिंग मशीन, लड़के के लिए 1 मोटरसाइकिल, लड़के के माँ बाप व दादा दादी के लिए 1 सोने की अंगूठी, 101 सूट लड़की के और 51 सूट पैंट कमीज लड़के वालों के, 5 बिस्तरे गर्मी के और 5 बिस्तरे सर्दी के, 251 बर्तन। और मेरी अंगूठी कहाँ गई बिचोले वाली, वो इसमें नहीं आई अभी तक। लीजिए चौधरी साहब, मेरे से जो हो सका मैंने अपनी बेटी को दिया, आप इनको स्वीकार करें। ठीक है चौधरी साहब। पिताजी ये लिस्ट मुझे देना दो। बेटा तूने ये क्या किया, लिस्ट को फाड़ क्यों दिया? फाड़ू नहीं तो और क्या करूं, इस लिस्ट में मेरी कार कहां है? चौधरी साहब ठीक बोल रहा है मेरा बेटा, आपने कार तो दी नहीं। पिताजी मुझे नहीं करनी कोई शादीवादी। चलो। नहीं बेटा नहीं, यूं छोड़ के चला जाएगा तो मेरी बेटी का क्या होगा? तू और तेरी बेटी चलो बाढ़ में। चलो पिताजी चलो। पिताजी आप रोइए मत, चलिए यहाँ बैठिए। और आप एक मिनट रुकिए, मुझे बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे कार चाहिए कार, वरना ये शादी मैं अभी तोड़ता हूँ। कुत्ते कमीने हरामी, अरे तू क्या शादी तोड़ेगा, थूकती हूँ ना तुझ पे। अरे तू जैसे कमीने से शादी करना भी कौन चाहेगा? और अंकल जी आप, आपको पता है मेरे बाप ने ब्याज पे पैसे उठाकर मुझे पढ़ाया और मेरी शादी करने के लिए उन्होंने अपनी जमीन तक गिरवी रख दी, पर आप क्या समझेंगे, अगर आप भी एक बेटी के बाप होते ना तो शायद आपको एक बेटी के बाप का दुख समझ में आता, उसका दर्द समझते आप। अरे जिसने अपनी बेटी दे दी तो उसके सामने दहेज के क्या मायने। चलो पिताजी अब हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, चलो। ठीक है बेटे चलो। अरे जनाब कहाँ चले? अपने घर। घर जाके क्या करोगे, आपको तो जेल में जाना होगा। पिताजी फोन दीजिए, मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं ये शादी करूंगा। क्यों हरामी कमीने, अब आ गई तेरी अक्कल ठिकाने, लेकिन तुझ जैसे हरामी का जेल जाना जरूरी है। भाइयों दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही बहुत बड़े अभिशाप हैं। अगर आपके आस पड़ोस में कहीं भी दहेज लिया जाता है या दहेज दिया जाता है उसका पुरजोर विरोध करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सामाजिक पाप है। अगर दहेज लेते वक्त लड़की ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई तो हो सकता है आपका भी हाल मेरी तरह हो जाए। दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है, दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है।